आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के स्टॉक के बारे में, बिकॉज इनके दोस्तों Q4 नंबर्स जो डिपॉजिट्स के होते हैं वो निकल के आए हैं, और Q4 डिपॉजिट्स के नंबर्स दोस्तों काफ़ी बढ़िया हैं। उनके आंकड़ों ने देखिए काफ़ी चौंकाया है, तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सारे यस बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए जो यस बैंक के अंदर देखिए अपना पैसा लगा के रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो ये जो नंबर्स आए हैं दोस्तों, ये बहुत ही शानदार निकल के आए हैं, ये पूरे आंकड़ों ने देखिए चौंकाया है। तो किस प्रकार के नंबर्स आए हैं ये आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊँगा, और ये स्टॉक आपको 20 रुपये तक के लेवल्स कब जाके दिखाएगा तो इसके ऊपर भी दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, और दोस्तों चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना प्लीज मत भूलना। तो देखिए दोस्तों, यस बैंक Q4 डिपॉजिट्स अप 54.7% टू ₹1,62,947 करोड़। तो दोस्तों जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं वो यस बैंक के अंदर आप देखेंगे अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो डिपॉजिट्स बढ़ना दोस्तों ये एक सिंपल सादा देखिए इसके तरफ ही आपको इशारा है कि लोगों का विश्वास यस बैंक के ऊपर फिर से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही आपको देखने को मिला है Q4 के अंदर, करीबन 54.7% का इंक्रीज, जो करीबन 1,62,947 करोड़ रुपए आपको देखने को मिला है। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर ऑल द यस बैंक इन्वेस्टर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है पूरा, तो अनाउंसिंग इट्स Q4 बिजनेस अपडेट, यस बैंक सेड दैट द बैंक लोन्स एंड एडवांसेस केम एट 1,72,850 करोड़ एज ऑफ March 31, 2021। तो देखिए यहाँ पे जब अनाउंस किया इन्होंने अपना Q4 बिजनेस अपडेट, तो यस बैंक ने कहा जो बैंक लोन और एडवांसेस है वो अब बढ़ के हो चुके हैं करीबन 1,72,850 करोड़ एज ऑफ 31 मार्च 2021। और यहाँ पे उन्होंने करीबन 0.8% की आपको ग्रोथ दिखाई है यहाँ पे YOY में, और यहाँ पे आपको करीबन 171,443 करोड़ जो पहले था अब बढ़ के यहाँ पे 172,850 करोड़ हो चुका है, और यहाँ पे आपको करीबन 1.8% यहाँ पे Q-on-Q में इनकी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। अगर हम बैंक के डिपॉजिट्स की बात करें तो पहले बैंक के डिपॉजिट्स आपको सिर्फ 1,05,364 करोड़ था, जो अब बढ़ के 1,62,947 करोड़ हो चुका है, और क्वार्टरली बेसिस पे करीबन 11.4% ये आपको अब देखने को मिला है। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि देखिए लगातार अगर डिपॉजिट्स बढ़ेंगे तो ये ऑन एंड ऑल आपको बैंक्स के देखिए यहाँ पे जो NPAs है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, और जो बैंक के इन्वेस्टर्स हैं उनका देखिए यहाँ पे विश्वास जतेगा, बिकॉज यहाँ पे लोग अपना पैसा फिर से डाल रहे हैं बैंक के अंदर। ये सबसे बढ़िया खबर है। बैंक ने देखिए अपने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी जो LCR होता है वो भी बताया है, जो करीबन 122.7% पर है, जो आपको पहले सिर्फ 120% पे देखने को मिलता था 31 दिसंबर 2020 को, और ये CSA जो अब था हो चुका है करीबन 42,587 करोड़ 51.8% अप है पहले से, जो था सिर्फ 63 करोड़। तो ये डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया साइन है देखिए सारे यस बैंक इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज आपको लगातार देखिए यस बैंक के जो रिजल्ट्स है वो भी देखिए प्रभावित कर रहे हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे जो इनके Q4 बिजनेस अपडेट्स है उसमें भी लगातार आपको एक सिक्वेंशियल बेसिस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया खबर है सारे यस बैंक इन्वेस्टर्स के लिए, और मुझे लगता है कि देखिए ये स्टॉक अब विद इन टाइम देखिए बहुत जल्द 20 रुपये जाएगा। एक बार चार्ट पे हम नज़र डाल लेते हैं यस बैंक के। तो देखिए मार्केट में गिरावट आई थी, इसके कारण देखिए स्टॉक में आपको आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। 15 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग दी है, 20 पैसे स्टॉक गिरा है, 1.27% आपको स्टॉक के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला है। बट अगर यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने देखिए खुला आज काफ़ी बढ़िया था, और इसी न्यूज़ के कारण देखिए ऊपर खुला था स्टॉक। अगर आज के चार्ट पे आप नजर डालेंगे तो देखिए आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ऊपर खुला बट उसके बाद थोड़ा थोड़ा नीचे जाता हुआ देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक अब 15 रुपये के नीचे नहीं जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पे स्टॉक को बढ़ना है तो जो पहले का भी हाई बनाया था 16 रुपये 80 पैसे का, उसको क्रॉस करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि 20 रुपये तक जाएगा। लेकिन देखिए जिस प्रकार की लगातार न्यूज़ निकल के आ रही है, और अब जिस प्रकार से देखिए Q4 अर्निंग्स का टाइम आएगा, ये जो Q4 अपने देखिए अर्निंग्स निकालेंगे ये बहुत बड़ा देखिए कंसर्न हो सकता है, और ये कंसर्न देखिए आपको देखना होगा कि क्या इनके फेवर में जाता है अगर Q4 अर्निंग्स इस बार भी बढ़िया आती है, बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी लगातार प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, तो एक्सपेक्टेशंस आर क्वाइट हायर फ्रॉम यस बैंक दिस टाइम। और अगर अर्निंग्स बढ़िया आती है तो देखिए आपको ये बस मान के चलना है, बिकॉज अर्निंग्स बढ़िया आ रही है, बैंक बढ़िया कर रहा है, कंपनी बढ़िया कर रही है, तो ये आगे आगे ना पीछे देखिए स्टॉक ज़रूर बढ़ेगा।
पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इस काउंटर में, आपको डेफिनेटली देखिए होना पड़ेगा, बिकॉज जिस प्रकार से गिरावट आई है उसमें देखिए बढ़ने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट जिस प्रकार से कंपनी फिर से स्मूथ आपको थोड़ी थोड़ी चलती हुई देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से देखिए इनके AMD काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया है और ये बहुत ही बढ़िया संकेत सारे यस बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा आप वेट करिए, स्टॉक ज़रूर 20 रुपये जाएगा। एक बार टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं, फिर कल के टारगेट्स क्या हो सकते हैं उसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप टेक्निकल्स में देखेंगे तो स्टॉक के अंदर आपको क्या हुआ है, लास्ट मिनट पे देखिए लोग बाइंग करने में देखिए यहाँ पे जुटे हैं, सेलिंग प्रेशर नोट करिएगा बिल्कुल निल है, सबसे इंपॉर्टेंट 0 सेलिंग 16 बाइंग, डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव। ऑसिलेटर्स यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग दे रहे हैं विद 0 सेलिंग एंड मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय विद 14 बाय 0 सेल, तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखिए आपको मोमेंटम बिल्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है, लोग काफ़ी बढ़िया बाइंग कर रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बाय करना है इसको CMP पे, टारगेट रखना है दोस्तों यहाँ से मुझे लगता है जो आपको अचीव हो सकता है कल के लिए वो 16 रुपये तक के आसपास का होगा, और स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करना है यहाँ पे करना है आपको करीबन 15 रुपये का। और दोस्तों होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया बैंक फिर से बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, पहले बढ़िया था बीच में ख़राब हुआ फिर से अब कंपनी काम कर रही है, तो बिल्कुल होल्ड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।